लगता है इसके बारे में, ये सब जो प्राइवेट हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, हर किसी को प्रयास करना चाहिए न्यूट्रल रहने का, मतलब किसी एक का पक्ष ना ले व्यक्ति, ऐसा उसको प्रयास करना चाहिए। मैं भी इस सर्दी में यही प्रयास कर रहा था खाली टाइम में बैठ के कि भाई हमारे जो विपक्षी नेता हैं राहुल गांधी जी, जो कभी नेता होते हैं कभी नहीं होते, और वो भारतीय होते हैं कभी भारतीय नहीं होते, कभी वो हिंदू होते हैं कभी वो हिंदू नहीं होते, तो मैंने सोचा चलो कुछ तो नया बदलाव हो रहा होगा, भाई काफ़ी युवा हो चुका है अब, तो देखते हैं कुछ नया सीख लिया हो भाई ने। तो मैं राहुल गांधी के चैनल पर गया और मैं ये वीडियो देख रहा था जिसमें लिखा है खेतों में धान की रुपाई, भारत जोड़ते किसान। तो इस वीडियो को मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि राहुल गांधी के वार्तालाप में क्या फ़र्क आया है और क्या उन्होंने मैच्योरिटी प्राप्त की है। तो बड़ा गजब का मैच्योरिटी प्राप्त हुआ। मैं वीडियो आपको यहाँ पर जो है सुनवाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने राहुल जी की वार्तालाप सुनने की कोशिश की और मुझे बड़ी अच्छी लगी शुरुआत में। देखिए मैं आपको सुनाता हूँ यहाँ पर। फसल बेचते हैं वो टाइम पे व्यक्ति नहीं, उनका टाइम पे पैसा नहीं आता, नहीं कोई सरकारी सुविधा मिलती, किसानों को कोई इज्जत नहीं देती जी, ये सरकार ऐसी आ रही है, सब कुछ महंगा। तो यहाँ राहुल गांधी जी ट्रैक्टर पर चढ़ गए और यहाँ तक अच्छा लगा कि किसानों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट जब इन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, किसानों से सवाल पूछने शुरू करे, तो भाई साहब मजा आ गया। देखिए आप भी सुनिए। ये टूटता नहीं है, खराब नहीं होता। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ट्रैक्टर टूटता नहीं है, मतलब ट्रैक्टर के लिए किसानों से पूछ रहे हैं कि ट्रैक्टर टूटता नहीं है, मतलब इन्हें नहीं पता ट्रैक्टर कैसी मजबूत चीज़ है, कितनी मजबूत चीज़ है नहीं है, इनको आइडिया ही नहीं है। इन्हें तो पता नहीं कहाँ रहते हैं, एसी वीसी में रहते हैं, बस मीडिया के चक्कर में आ जाते हैं। सवाल देखो, ब्रेकडाउन नहीं होता ट्रैक्टर, ब्रेकडाउन नहीं होता, मतलब सवाल पूछ रहे ट्रैक्टर ब्रेकडाउन नहीं होता, किसान भी कह रहे नहीं होता। भाई होता क्यों नहीं है, ट्रैक्टर ख़राब होता है क्यों नहीं होता, मतलब किसान भी ऐसे ही हैं, पप्पू के साथ बैठे हैं तो किसान भी पप्पू हो गए, हालांकि बेचारे सही तरीके से जवाब दे रहे हैं, बट ये तो बड़ा पप्पू है सवाल पूछ रहा है। आगे देखिए, और इसके जो औजार है ये भी नहीं होते, औजार मतलब इसको इम्प्लीमेंट्स को, यंत्र को औजार बोल रहा है वो। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टूल्स एंड मशीनरी, भाई साहब मशीनरी को भी टूल बोल रहे हैं तो औजार, इनको औजार बोल रहे हैं कि ये भी खराब नहीं होते। भाई सब कुछ खराब होता है राहुल गांधी जी। कितने साल चलते हैं? 15-20 साल। पूछ रहे कितने साल चलते हैं, जनरल नॉलेज ले रहा है राहुल गांधी। जो जनरल नॉलेज इस भाई को आज से 20 साल पहले लेनी चाहिए थी भारतीय जनता से जुड़ने के लिए, वो भाई आज 2024 में लेने का प्रयास कर रहा है। और ये कहता है कि मोदी जी झाड़ू लगाते हैं, मंदिरों की सफाई करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, वोट लेने के लिए, और ये भाई ट्रैक्टर इसलिए चला रहा है समाज सेवा करने के लिए। अरे भाई तू भी चुनाव जीतने के लिए कर रहा है, तेरे से हो नहीं पा रहा। आगे देखते हैं। अब इन्होंने वीडियो में किसानों से वार्तालाप किया तो मुझे भी अच्छा लगा, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई चलो किसानों से बात कर रहा है, पर देखना ये वार्तालाप किस तरीके से मोड़ ले लेगा। तो आपने ठेके पे ले रखी है, कितना डीजल लगेगा? तो भाई ने सारी जानकारी ली, खेती वेती की बात करी कि लेबर में कितने पैसे खर्च होते हैं, 3500 रुपए की लेबर आती है, 10 लोग आते हैं एक एकड़ में धान लगाते हैं, मतलब सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से कुछ मैजिक होता है। देखना आप, 5 एकड़ में लग जाएगा 10,000 का तेल, मतलब भाई को ना इन किसानों की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अल्टीमेटली एक फटाफट से एक पॉइंट आएगा जहां पर ये भारतीय सरकार की बदनामी शुरू कर देगा भाई। अरे भाई पूरी वीडियो एक नेचुरल रख लेता, हो सकता है तेरी छवि सुधर जाती। नहीं भाई, उसको मंजूर नहीं है ना अपनी छवि सुधारना, तो अचानक से देखना क्या होगा। और इसमें एक एकड़ में कितना लेबर लगता है? 10 बंदे भी लगा देंगे, 3500 रुपए जो है। तो यहाँ पर बात हो रही है लेबर कितने पैसे लेती है। देखना आप, सारा सवाल खेती बाड़ी का चल रहा है, बट अचानक से मतलब कहते हैं ना आउट ऑफ द ब्लू, आसमान से टपका ऐसा सवाल आएगा, अभी देखना। हाँ। कितने लोगों के लिए, कितने टाइम के लिए? जैसे 10 बंदे हैं। हाँ। एक एकड़ लगा दिया। हाँ। 3500 रुपये। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, ये सब जो देख रहे हो यहाँ 3500 की बात हो रही है और ये सारी बातें हो रही हैं, अब देखना आपको क्या लगता है, लेबर वेबर सब गई तेल लेने, अब वाला सवाल। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, ये सब जो प्राइवेट हो रहा है, ये फायदा किसको? एक एकड़ लगा दिया 3500 रुपये। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, ये सब जो क्या लगता है इसके बारे में, ये सब जो प्राइवेट हो रहा है, क्या लगता है इसके बारे में, ये सब जो प्राइवेट हो रहा है, ये फायदा किसको जा रहा है? क्या लगता है इसके बारे में, क्या लगता है लेबर प्राइवेट हो रही है, प्राइवेट हो रहा है, ये फायदा किसको जा रहा है? कमाल कर दिया भाई ने, मतलब यहाँ भी इंटेंशन ये लेकर आया है कि भारतीय जनता पार्टी की बदनामी करनी है। किसानों से मिल लेते ओरिजिनल तरीके से, नेचुरल तरीके से मिल लेते तो थोड़ी छवि सुधर जाती। यहाँ भी भाई आपको क्या लग रहा है, इसको क्या पता किसान को? अच्छा, क्या लगता है इसके बारे में, ये सब जो प्राइवेट हो रहा है, ये फायदा किसको जा रहा है? फायदा लोग
डर है जिसको बड़े 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 लोग। अब किसान को पता ही नहीं है, किसान को पहले बताया गया है कि क्या जवाब देना है, बट वो भूल गया बेचारा थोड़ा सा। तो डर है। मान लो आपने 5 साल काम किया, फायदा कितने साल होता है और नुकसान कितने साल जाता है? उसको उससे पूछना चाह रहा है कि नुकसान होता है कि नहीं होता। अरे किसानों को भाई साहब फायदा नुकसान दोनों होता है, ठीक है राहुल गांधी जी, करके देख लो, 2-4 साल पता लग जाएगा, धुआं निकल जाएगा। नुकसान का तो जैसे बरसात ज्यादा होगी फसल मर जाए। तो ये है राहुल गांधी की कहानी, किसानों से मिलने गया है तो भी राजनीति कर रहा है, और वो भी मतलब अजीब सी राजनीति। उसको बस ये सुनना है कि बीजेपी के खिलाफ बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, ना तो उसको ट्रैक्टर से मतलब, ना खेतों से मतलब। पॉलिटिकल स्टंट है, मोदी को कहता है पॉलिटिकल स्टंट करते हैं, भाई मोदी करता है तो थोड़ा सफलतापूर्वक तो कर लेता है, तू कर ही नहीं पाता है भाई। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।